नीलांबु चिलिका मनोज दास रचित एक भूगोल उपन्यास जहाँकि चिलिका ह्रद उपरे परिवेशित। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका आखि पलकरे आकाशर स्वच्छ चंद्रताप देहरे जेमिति केही छिटिकाई देथाए असंख्य कलाकला बिंदु तले नील ह्रदर दर्पण रे से सबुर प्रतिबिंब टिके आत्मविस्मृत होइथिले आपण मुहूर्तक पाई द्वंद्वरे पड़िबे एटा वास्तव ना स्वप्न क्रमे आपण से दृश्य सहित एक होई जाई पारंती जदि होई पारिबे आपण को मिलिब मुक्ति ओ अनंतर स्वाद विश्वास ओ असीम भितरकु अभिजनर रोमांच कारण से सब कलाबिंदु यही सब गुणर प्रतीक से माने दुरागत सुदुरागत विहंग पड़ोसी नेपाल ओ बांग्लादेशरु पुणी काही केते दूर ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया इत्यादि मूलकरु शीतर अव्यवहित पूर्वरु से माने ओडिया संति से मानंकर ए प्रिय सरोवर अभिमुखी वर्ष परे वर्ष हजार हजार माइल धरी केते सहर नगर जनपद अरण्य पर्वत उपर देई से माने आसी थांती असीमता भितरे से माने सब्यस्त करंती से मानंक गतिर स्वाधीनता से माने आसंती हृदय भरा विश्वास नै से विश्वास सरोवरर अतिथि परायणता उपरे चतुर्दिगर जनपद वासींकर विवेक उपरे जदि केबे केमिति मध्ये मध्ये से मानंकर से विश्वास उपरे आघात दिए मनीष जदि कोनोसी लोभी कबलरे पड़ी प्राण दियंती से मानंग भितरु केते जण अचिरे अन्य माने ताहा पासरी दियंती से मानंकर से आशावाद से विश्वासरु मनीष से सब गुण शिखिब से माने अवश्य करुथिबे से भली आशा पोषण ए सब घटे भारतर बृहत्तम ह्रद चिलिकारे ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर ठारु 100 किमी दूरवर्ती 1200 वर्ग किमी परिमित ए ह्रदर रहिछि केते रूप आमे उपरे गोटे मनोरम रूपर चित्र मने पकाइलु दीप समूहर पर्वत ओ पल्ली जादू प्राय अदृश्य हो जाए पुणी हुए दृश्यमान ज्योत्स्ना रातिरे पुणी ए ह्रद बनी जाए सतेबा एक परिराइज नील ढेउ उपरे खेलु थाए अलौकिक आभा अगणित बुकुद आकाश उद्देश्य रे स्वर्णाभ प्रदीपर अर्घ्य भली मने हुंती सरोवरर जल लुणी किंतु सबुबेले नुहे जेतेबेले दया भार्गवी लुणा गंधवती इत्यादि नदी सेमानंकर उच्छल जलधार रे ह्रद को उछुलाई दियंती सेतेबेले लुणीपाणी ता निज घर समुद्र को लेउटी जाए अंततः आंशिक मात्रे चिलिकार हृदेश मधुर कालीजाई पहाड़ उपरे कुआरु मिले स्वाभाविक पाणी तेबे ह्रदटी अवश्य समुद्रर अवदान समुद्र सह यहार संपर्क अतुट तेणु ह्रद समुद्ररु अनवरत आमदानी करुथाए केते किसमर माछ कंकड़ा इत्यादि ह्रद कूलर पल्ली जीवन ए सामुद्रिक ऐश्वर्य उपरे बहुत निर्भरशील केबे केऊ अज्ञात अतीतरे ए ह्रद को कोनोसी प्राकृतिक विप्लव समुद्रठु विच्छिन्न करि पकाइथिला संजोगस्थलीर दुई कड़े दंडायमान दुई पार्वत्य प्रहरी से संजोग जेमिति छिन्न नहेब ताकु देखिबा जेमिति से दुहिंक कर्तव्य ह्रदर उत्पत्ति संपर्क रे जनश्रुति आमको परिवेषण करे भिन्न कहानी थरे केतेक विधर्मी जलदस्यु एठारे सेमानंकर जहाज भिड़ाई पुरी श्रीजगन्नाथ मंदिर लुंठन पाई अग्रसर हेउथंती सूचना पाई पूजक माने दियो मानंकु तथा मंदिरर समस्त ऐश्वर्य केउठी लुचाई देले सेतिकि नुहे सहरर समस्त नरनारी आत्मा गोपन कले दस्यु माने काहाकु देखिले नाही किछि पाइले नाही सेमने तो रात्रि रचिथिले सेमानंक अभिजान पुरी लोकंकु खबर देला किए केही जणे दस्यु सरदारकु कहिला समुद्रर निर्घोषर एक भाषा अछि
ସେ ଭାଷା ବୁଝୁଥିଲେ ଜଣେ ପୂଜକ। ଜାହାଜକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦସ୍ୟୁ ଦଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲହରୀ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଦସ୍ୟୁ ଦଳ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜ। ତତ୍ପରେ ସମୁଦ୍ର ଅପସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଚେନ୍ନାଇ ହ୍ରଦ ରଖିଦେଇଗଲା।